तो यो व्हाट्सअप बड़ी, माय नेम इज गौरव गुप्ता एंड यूर वॉचिंग गेमिंग बासु। भाई क्या हाल चाल है यार, मुझे उम्मीद है गाइज आप लोग अच्छे होंगे। सो बेसिकली गाइज आज का वाला वीडियो मेरा काफ़ी कमाल लमाल एंड स्पेशल होने वाला है, क्योंकि गाइज आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको रावण का दहन दिखाने वाला इन पबजी मोबाइल एड। जी हाँ गाइज, बिल्कुल आपने सही सुना। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि मैंने, अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करते हो तो इसीलिए मैं बार बार हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला कहता हूँ अभी फॉलो करो। तो मैं रिसेंटली कल दशहरा के दिन आपको वहाँ पे अप टू डेट कर दिया था स्टोरी में डाल के कि कल एक स्पेशल वीडियो आने वाली है, दशहरा स्पेशल वीडियो। वहाँ पे आपको मैं स्नेक पिक दे दिया था और जो गेस करने वाले थे उन्होंने सही गेस कर लिया कि दशहरा स्पेशल वीडियो आ रही है। तो वैसे ही वो कुछ हुआ और आज गाइज मैं दशहरा स्पेशल वीडियो डाल रहा हूँ। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक दिन डिले हो रहा है। हालांकि कई जगह पे आज भी दशहरा है तो आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। सो भाई इस वीडियो में हम लोग बेसिकली रावण का दहन करने वाले हैं। भाई राम और उसके कुछ फ्रेंड्स जिनके हेल्प से राम रावण को लास्ट में मार देते हैं, तो इसी को आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। और साथ में गाइज ये बेसिकली आप बोल सकते हो इसको पबजी मोबाइल लाइट शॉर्ट फिल्म मीन्स स्टोरी लाइन आप इसको कह सकते हो। और इसको बनाने में मेरे दो और फ्रेंड्स ने हेल्प किया और उनकी भी आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, ज़रूर से चेकआउट कीजिए। आपको यही वीडियो उनके भी चैनल पे अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएगी, तो ज़रूर से एक बार ही चेकआउट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते गए हम लोग अपने वीडियो के टॉपिक्स की तरफ। सो सिंपली गाइज आपको सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ राम से। तो आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के सामने जो ये अभी उतर रहे हैं, ये राम जी बेसिकली हैं और इनका नाम तो आप सुने ही होगे और दूर दूर तक सुने होगे। और जैसा कि ये लोग रियल लाइफ में रावण को मारे थे, आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बेसिकली राम जी को मैंने उतार दिया था फैक्ट्री में और इस गेम का रोल यही था कि पाँच लोग थे और पाँचों लोग को उतरना था अलग अलग जगह पे और वहाँ से उनके लूट करना था। कुछ नहीं बल्कि बस क्रॉसबो चाहिए था जिससे कि राम जी रावण को मार सके, और साथ में मौली और नेड भी चाहिए जिससे नॉक होने के बाद राम जी मौली से फिनिश करें। आपको पता है रावण को जलाया जाता है बेसिकली, अगर आप जानते हो तो। तो यही कुछ था। तो राम जी को हम लोगों ने सिंपली फैक्ट्री उतारा और वहाँ पर वो लूट किए और अभी आप लास्ट में देखोगे उन्हें क्रॉसबो मिला। मौली नेड कितनी मिली नहीं मिली मैं आपको आगे बताऊंगा। सेकेंडली आपको मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ रावण से, और जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये बेसिकली रावण है और इसका रोल जो प्ले किया उसके चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। तो रावण भी बेसिकली इनका और जो रोल मिला था उनके अकॉर्डिंग इनको उतरना था अलग जगह पे, तो फैक्ट्री तो ये उतर सकते नहीं थे रावण, तो बेसिकली ये विलेज अपना गए। हालांकि इन्हें उतरना था स्टेडियम, लेकिन तेज़ी में भाई आप समझ सकते हो कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली ये विलेज उतरे उसके बाद का सीन अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। आपको पहले मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ सारे करेक्टर से। आगे भाई आप देख सकते हो, मैं सिंपली आपको दिखा दूँ कि अगला जो हमारा करेक्टर है वो बेसिकली आप देख सकते हो वो भी विलेज अपने रावण लूटेंगे, और इनके लिए भी सेम रूल है कि नहीं भी मौली वगैरह लूटना है और नेड वगैरह लूटना है, अपने लिए नहीं, अपने खुद को मारने के लिए तो रावण लूटेगा नहीं भाई। कुछ तो समझो मुझे यार, आप ज़रूर से समझ गए, मेरे को पता है ये बेसिकली राम जी के लिए लूट रहे होंगे। और अगला हमारा करेक्टर है भाई ये आप समझ सकते हो गौरव अपने भाई, तो इनको भी कहीं पे भी उतर सकना था और जहाँ पे इन्हें उतरना है इन्हें भी सेम रूल है कि ये भी मौली और आपको नेड हाथ में लिए रहना है, लास्ट में रावण को मारने में राम जी का हेल्प ये करेंगे। बेसिकली आपको पता है जो अपने राम जी हैं उनको हेल्प करने के लिए उनके कई सारे फ्रेंड्स गए थे लंका वगैरह पे, तो ऐसे ही ये भी हमारे फ्रेंड्स हैं भाई। बेसिकली राम बनेगा ही अपना भाई जी बी जेड आप समझ सकते हो। तो अभी आप आगे देखोगे तो ये बेसिकली ये भी सिंक डेल्टा अपने उतरे हैं, और गौरव भाई को भी यही सेम रूल था कि इन्हें मौली नेड लूट के वापस स्टेडियम आना है जहाँ पे रावण का दहन किया जाएगा। तो देखते हैं इन्हें कितनी मौली एंड नेड मिल पाती है। हम अपने अगले करेक्टर से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो हमारे अगले करेक्टर है रोहन, वो रोहन नहीं रोहन प्रीत बिल्कुल नहीं, वो रोहन बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल सख्त रोहन है आप समझ सकते हो, बिल्कुल सख्त है ये रोहन। तो भाई इसका कैरेक्टर भी काफ़ी सिंपल है, इसको भी सेम वही काम करना था जो बाकी लोग कर रहे थे, इसे भी मौली एंड नेट ढूंढनी थी और साथ में क्रॉसबो, और ये देखते हैं ढूंढ पाते हैं पाता है कि नहीं। और रोहन अपना भी उतरेगा अलग जगह पे, तो बेसिकली रोहन को उतरना था स्टेडियम और इसका शौक भी था स्टेडियम। भाई स्टेडियम उतर रहे हो, मैं इसको बार बार समझाया कहीं मौली से हम लोग तुम्हें ना जला दें, मीन्स राम जी बोल रहे थे क्लियरली से, लेकिन ये समझा नहीं और फिर भी ये अपना स्टेडियम उतर गया।
तो आप देखना अभी स्टेडियम में उतर के इसको भी सेम वही काम करना था जो बाकी लोग कर रहे थे, मीन्स मॉली नेट और क्रॉसबो ढूंढना था, बाकी कुछ भी नहीं। तो सबने अभी लूटना स्टार्ट कर दिया था और सबका काम फिनिश होने ही वाला था, मीन्स जोन अपना रुख दिखाने वाला था। हालांकि पहला जोन अपना बना था तो स्टेडियम बिल्कुल कवर इन था, मीन्स स्टेडियम बीचों बीच था, लेकिन दूसरे जब जोन बना तो उसमें से स्टेडियम बिल्कुल आउट ऑफ जोन हो चुका था। तो हम लोग को दहन बहुत तेज़ी से करना पड़ा, आप समझ सकते हो 12 भी नहीं बजा था यार, लिटरली रावण को पहले ही जला दिया हम लोग, क्या ही बोले भाई। तो देख सकते हो ये अपना रोहन भी काफ़ी अच्छे से लूट कर रहा था, और अपना फिफ्थ करेक्टर था जो वो था अपना शिवम, हालांकि उसके फ़ोन में रिकॉर्डिंग नहीं ऑन हो पाई थी कुछ रीजंस के वजह से। तो आप उनका कैरेक्टर बस इन्जॉय करो भाई, वो ऐसे भी ऑफलाइन हो गया था वो बंदा। तो देख सकते हो रावण सिंपली वहाँ से लूट लाट करके अभी पहुँच चुका था स्टेडियम, वापस विलेज से लूट लाट करने के बाद स्टेडियम पहुँच चुका था, और लिटरली रावण को कुछ नहीं मिला था भाई। अब अपने मरने के लिए खुद थोड़ी ना ढूंढेगा रावण, समझ रहे हो ना, ढूंढना तो राम जी को है और उनके दोस्तों को। तो यहाँ रावण चुपचाप आके अपने मरने का, मीन्स अपने बलि का वेट कर रहा था कि बलि का बकरा कब बने, और अपने स्टेडियम में आके सिंपली वहाँ पे खड़ा हो गया था जहाँ पे इसको दहन होना था। आगे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा दूँ राम जी क्या कर रहे हैं भाई, चला चलें राम जी के पास देखने वो लोग क्या कर रहे हैं अभी। सो बेसिकली गाइस लास्ट में शिवम ऑफलाइन बहुत देर से था, तो वो बिल्कुल जोन में भागा भागा से आया बग्घी लेके, और साथ में राम जी भी गाड़ी से आए, और उसके बाद वो शिवम के साथ बग्घी लेके स्टेडियम पर पहुंच गए। आप देख सकते हो अभी राम जी भी स्टेडियम पर पहुंच चुके हैं सिंपली, और रावण ऑलरेडी वहाँ पे खड़ा है, रोहन गौरव भी आ चुके हैं, और किसी को भी अच्छे से लूट नहीं मिली, क्रॉसबो तो किसी को मिली ही नहीं भाई, क्योंकि रावण को बहुत जल्दी जल्दी में हमें जलाना पड़ रहा है, दूसरे जोन के साथ ही जलाना पड़ रहा है। और देख सकते हो सारे बंदे नाच रहे हैं, हमारे सारे फ्रेंड्स, मीन्स हमारे मतलब समझो मैं अभी राम का करेक्टर प्ले कर रहा हूँ, ये वैम्पायर सेट राम जी की है, आप समझ रहे हो ना। तो भाई अब देखो मैं और लोगों को दे दे रहा हूँ नेट की, लो तुम भी मज़े करो, पीछे से आप भी मारो भाई, मैं ही क्यों मारूँ, सिर्फ राम का थोड़ी ना काम है मारना। तो बाकी सारे लोग रेडी हो गए थे रावण को मारने के लिए, और हालांकि जोन भी हमें काफ़ी तगड़ा वाला डैमेज दे रहा था, इसलिए मैं कुछ कुछ चीज़ें ले भी रहा था और कुछ चीज़ें दे रहा था। हालांकि मौली मेरे को नहीं मिली थी राम जी को, तो मौली मैं अपने फ्रेंड्स मीन्स अपने रोहन से ले लिया, और बाकी अभी आप देख सकते हो हम लोग इन्हें जला देंगे, और बेसिकली एकदम जला के राख करने वाले हैं भाई रावण को। हालांकि क्रॉसबो तो नहीं मिला, वरना हम लोग का प्लान था पहले रावण को क्रॉसबो से खिलाएंगे और नॉक होने के बाद उसको फिनिश किया जाएगा अपने मौली और नेट से, और उसके बाद कर सो तो आपको अभी आगे पता ही चलेगा। तो बेसिकली अभी देख सकते हो मैं अपने हाथ में राम जी मौली ले चुके हैं, और रावण का होने वाला है टैंट फिस, मीन्स रावण जाने वाला है अब अपने वापस, एक साल के लिए गायब होने वाला है रावण बेसिकली गायब, जब अगले साल सिंपली अब रावण से मिलेगा। और देख सकते हो रावण बिल्कुल जल गए, और हालांकि इस नेट से रावण भी तगड़ा वाला प्रहार किया, और मेरे को भी वापस से कुछ इफेक्ट पड़ा था, मीन्स राम जी को भी। अब देख सकते हो हमारे बाकी के लोग अब नाचना स्टार्ट हो चुका है, और भाई पार्टी टोटली हो चुकी है, क्योंकि राम जी ने रावण को सिंपली हर बार की तरह इस बार भी गिरा चुका है भाई राम जी को, राम जी ने रावण को। और बेसिकली आप देख सकते हो अभी एकदम धांसू तरीके से हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं, और सारे लोग यही देखना भी चाह रहे थे, आप लोग मेरे को उम्मीद है। और आप देख सकते हो यहाँ पे पार्टी पूरी रात का स्टार्ट हो चुका है, और आप लोग को बताइएगा ये हमारी फर्स्ट स्टोरी लाइन कैसी लगी, शॉर्ट फिल्म जो दशहरा के स्पेशल थीम के ऊपर था, और अगेन आज तो दशहरा है भी नहीं और कुछ एरिया में, तो मेरी तरफ़ से GBJWP फैमिली को हैप्पी दशहरा और सेफ दशहरा। तो भाई ज़रूर से आप बताइएगा आप क्या किया अपने दशहरा, इस दशहरा स्पेशल बनाने के लिए आपने क्या किया, हमने तो ये रिकॉर्ड किया और काफ़ी अच्छे से रिकॉर्ड हो गया। बाकी आप बताइएगा आपको ये पसंद आई हमारी शॉर्ट फिल्म की नहीं पसंद आई, हालांकि फ्यूचर में और भी इम्प्रूव करेंगे और भी अच्छे कंटेंट आपको देंगे इसके ऊपर भी, तो ज़रूर से स्टे ट्यून कीजिएगा। सो बाकी अब अगर आपको और भी इस टाइप की वीडियो देखनी है और दशहरा स्पेशल, तो हमारी दो जो हमारे फ्रेंड्स के चैनल थे जिन्होंने हेल्प किया अपना जो रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे और रोहन का कैरेक्टर प्ले किए थे, बेसिकली रोहन एक ड्राइवर भी था, आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूँ, क्योंकि इसने ड्राइव करके राम जी को बैठा के लाया था, तो काफ़ी अच्छा हेल्प किया, योगदान दिया, तो इसके लिए तो अप्रिसिएट करना बनता है भाई। बाकी आप देख सकते हो मैं अलग अलग लोग के आपको अलग अलग एंगल से दिखा देता हूँ किसने कितना थ्रोएबल फेंका और रावण को मारा। तो अभी आप देख सकते हो रावण अपने थीम से भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे मरा था। सो अपने बेसिकली गाइस रोहन के आप पॉइंट्स ऑफ व्यू से देख पा रहे हो कि इसने भी भाई अपने रोहन भाई कैसे पीछे रहे, जैसे ही राम जी ने मौली फेंका और रावण जैसे ही नॉक हुआ था इन्होंने भी देरी नहीं की और सिंपली रावण को नेड मार के भाई मार दिया भाई, बम ब्लास्ट और आग वगैरह सब रावण के ऊपर एक साथ पड़ा, और रावण भी सोच रहा होगा कि वो डैश है जो इसमें आया वो गलत जगह लिटरली आ गया था। आप ज़रूर से बताइएगा
कि वो गलत जगह आया था कि नहीं, और अपने अगले जो कि कैरेक्टर है गौरव, उनके आप पॉइंट्स ऑफ व्यू से देख पा रहे हो कि उन्होंने कैसे अपने नेड फेंका रावण के ऊपर। और भाई साहब ये तो भाई राम जी से भी तेज निकला भाई इनका नेट, लिटरली क्या ही बोलूँ। और देख सकते हो इस नेट से हल जित्तू सा भी डैमेज नहीं हुआ अपने रावण को, लेकिन हाँ गौरव ने अपना काम कर दिया, समझ रहे हो ना, उसने आ गया वो स्टेडियम पे, वही काफ़ी बड़ी बात है। और भाई शिवम के तो रिकॉर्ड हुई नहीं, नहीं तो वरना मैं आपको उसकी भी दिखाता, अभी बचा कौन, तो वो है रावण। तो भाई रावण को भी तो दिखाना बनता है कि वो अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू से कैसे जलता हुआ दिखाई देता है। तो आप देख सकते हो वो कैसे जलता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। सो बेसिकली आज अभी देख सकते हो रावण अपने जगह पर खड़ा हो चुका है, जोन इसको काफ़ी तगड़ा वाला डैमेज दे रहा है, क्योंकि जोन भी जानता है भाई रावण इसे मरना तो है ही। और नीचे देख सकते हो राम जी ने फाइनली मौली को थ्रो करने के लिए प्रेस कर रखा एंड होल्ड करके फाइनली ड्रॉप कर दिया। और रावण भाई अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू से सोच रहा होगा मैं डैश हूँ जो इसमें आया, भाई लिटरली वो डैश था जो इसमें आया। और देख सकते हो तब काम तमाम हो गया रावण का, और एक्सपेक्टेड भी करेगा रावण, अभी देखना आप शायद एक्सपेक्टेड करे नहीं करे उसके ऊपर। तो देख सकते हो सिंपली रावण एक्सपेक्टेड कर रहे, और बाकी अभी राम के सारे दोस्त और राम पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं टोटली अच्छे तरीके से। और देख सकते हो तबाही तरीके से पूरा नाच गाना यहाँ पे डीजे म्यूजिक स्टार्ट हो चुका है, हर बार की तरह इस बार भी रावण का दहन हो चुका है। सो यही कुछ था गाइज अपना ये एपिसोड, और यही अपना था गाइज शॉर्ट फिल्म। मुझे आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, और फ्यूचर में हमें और भी कुछ इस प्रकार की चीज़ें ट्राई करनी चाहिए कि नहीं। सो बस गाइज अभी के लिए इतना ही था, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी पबजी मोबाइल लाइट की फर्स्ट शॉर्ट फिल्म ऑन दशहरा वो भी देख सकें। साथ में गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको गेमिंग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो और शॉर्ट फिल्म ऐसे ही टाइम पर सबसे पहले देखने को मिलते रहे। इंस्टाग्राम की यूजर आईडी स्क्रीन पर शो कर रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, जाइए एंड वहाँ पे भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। सो बस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल द ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय बाय गाइस, गुड बाय एंड टेक केयर।